नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि धान की अच्छी पैदावार के लिए पोषक तत्वों की मात्रा कितनी और कब कब देनी चाहिए। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो धान की ज्यादा उपज लेने के लिए और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद, गोबर खाद या फिर कंपोस्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। धान की फसल के पहले हरी खाद के रूप में अगर सनई या ढैंचा का प्रयोग किया जाए तो नाइट्रोजन वाले खाद की मात्रा कम की जा सकती है, क्योंकि ढैंचा या सनई से लगभग 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। अब फर्टिलाइजर्स के डोज की बात करें तो यूं तो खाद उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच करने के बाद उसके आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो धान की खेती के लिए किस्मों के आधार पर सिफारिश की गई खाद उर्वरकों की मात्रा कुछ इस प्रकार है। जैसे कि धान की बोनी किस्मों के लिए 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फॉस्फोरस, 40 केजी पोटास और 25 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। धान की संकर किस्मों के लिए 130 से 140 केजी नाइट्रोजन, 60 से 70 केजी फॉस्फोरस, 50 से 60 केजी पोटास और 25 से 30 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। बासमती किस्मों के लिए 100 से 120 केजी नाइट्रोजन, 50 से 60 केजी फॉस्फोरस, 40 से 50 केजी पोटास और 20 से 25 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। अब बात करते हैं कि धान की फसल में खाद की मात्रा किन किन अवस्था पर देनी होती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया के रूप में तीन भागों में बांट कर देनी चाहिए। यूरिया का पहला भाग रोपाई से 5 से 8 दिन बाद, जब पौध की जड़ें अच्छे से सेट हो जाए तब देनी चाहिए। दूसरा भाग कल्ले फूटते समय यानी रोपाई के लगभग 25 से 30 दिनों के बाद, और यूरिया का बाकी बचा तीसरा डोज फूल आने से ठीक पहले यानी रोपाई से लगभग 50 से 60 दिनों के बाद देना चाहिए। फॉस्फोरस की पूरी मात्रा SSP या DAP के रूप में, पोटास की पूरी मात्रा MOP के रूप में और जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा धान की रोपाई से पहले ही अच्छे से खेत की मिट्टी में मिला देना चाहिए। जिंक सल्फेट को आप मिट्टी में ना देकर उसे स्प्रे के रूप में भी दे सकते हो। उसके लिए 0.5% जिंक सल्फेट के साथ 0.25% बुझे हुए चूने को घोल कर स्प्रे करना चाहिए। तो पहला स्प्रे रोपाई से 1 महीने बाद करें और बाकी के 2 स्प्रे उसके 15-15 दिनों के अंतराल पर कर दें, जिससे जिंक की कमी भी पूरी हो जाएगी। यही थी धान की खेती के लिए पोषक तत्वों की जानकारी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। जय किसान, जय हिंद।